हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ब्यूटीफुल सी थ्रेड पेंटिंग बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको एक किस तरीके की नोटबुक चाहिए होगी, और उसके ऊपर आपको ले लेना है व्हाइट कलर का पेपर, अगर आपको किसी पेपर पे बनानी है। अगर आपको पेपर पे नहीं बनानी है पेंटिंग, तो आप अपनी ड्रॉइंग वाली शीट भी ले सकते हो, वो मच बेटर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा थ्रेड, जिससे आप पेंटिंग बनाने वाले हो। तो मैंने गाइज ये कुछ इस तरीके का थ्रेड ले लिया है, इससे मैं आज पेंटिंग बनाने वाली हूँ। और उसके बाद आपको चाहिए होगी ये कलर मिक्स करने के लिए एक प्लेट चाहिए रही होगी, तो एक इस तरीके से प्लेट ले सकते हो। और आपको चाहिए होंगे वाटर कलर्स, तो मैं वाटर कलर्स भी बता देती हूँ कौन से वाले ले सकते हो आप। तो गाइज ये वाले कलर्स भी आप कैमल वाले भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें से ही कुछ शेड्स निकाल लेती हूँ जो मुझे चाहिए, जिस शेड की मुझे पेंटिंग बनानी है वही मैं इसमें ले लेती हूँ। तो गाइज मुझे फर्स्ट ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। 1 मिनट रुकिए गाइज, कुछ चाहिए अपनी पेंटिंग में। मैं लेने वाली हूँ ब्लू, रेड और येलो। तो ये मेरा फर्स्ट कलर हो गया गाइज। अब लेती हूँ नेक्स्ट वाला, इस तरीके से कुछ रेड वाला भी ले लेती हूँ कलर, ठीक है गाइस। इसके बाद चाहिए होगा येलो, ठीक है, ये ले लिया मैंने येलो। और चाहे तो इसमें और भी कलर्स आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अभी ये ही लिया है। तो ये थ्रेड है आपका, आपको इसको कलर में डिप करना है। तो पहले हमें लेना है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में डिप कर लेते हैं इसे इस तरीके से। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको लेना है रेड। गाइज मेरे हाथ भी पेंट हो चुके हैं, बट कोई नहीं। गाइज आप पहले से ही 3-4 ब्रश लेके बैठना अलग अलग कलर के, वरना ये दिक्कत होने वाली है आपको, जो मुझे हो रही है। बार बार साफ करना पड़ेगा आपको एक ही ब्रश। आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो भी पार्ट बचे हाथ से ही कर देते हो गाइस, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये हटा देनी है प्लेट, एंड जिस भी शीट पे या ड्राइंग पे आपको पेंटिंग बनानी है वो लेना है, और उस पे अपना जो थ्रेड है गाइस वो कुछ इस तरीके से डालना है। 1 मिनट, मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे जिग जैग में आपको अपना थ्रेड डालना है, जैसे मैंने डाला है। ठीक है गाइस, और जैसे इस तरीके से आप थ्रेड अपना डाल देते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरा पेपर लेना है। कोई भी पेपर आप ले सकते हो, कलरफुल या कैसा भी, या फिर आपके पास शीट है तो मेरी तरह आप शीट ले सकते हो। इस तरीके से उस पेपर को रखना है, 1 मिनट गाइस, इस तरीके से उस पेपर को रखना है इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर रखना है आपको और कोई दूसरी नोटबुक, तो मैं ये रख देती हूँ।
ठीक है। अब इसके ऊपर आपको हाथ रखना है इस तरीके से, और हाथ इस तरीके से आपको हाथ रखना है इसके ऊपर, और ये थ्रेड आप देख पा रहे होंगे, मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ आपको। ये जो थ्रेड निकला हुआ है इसको खींचना है आपको, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं खींचना स्टार्ट कर रही हूँ, खींचना स्टार्ट कर रही हूँ इसमें थ्रेड। अब देखते हैं कैसी पेंटिंग निकल कर आती है, ये हटा देते हैं। और ये ऊपर वाला पेपर हटा देंगे, ये देख सकते हो आप। तो गाइज ये कुछ ब्यूटीफुल सी आपकी पेंटिंग निकल कर आती है। तो आप डेफिनेटली थ्रेड पेंटिंग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो गाइज होप करती हूँ आपको ये क्रिएटिविटी वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और देख सकते हो आप भी डेफिनेटली ट्राई कीजिए। सो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।